आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिरेकल मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में कि कैसे आप सिर्फ 6 मिनट में अपनी मॉर्निंग को फोकस्ड, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बना सकते हो, जिससे आपका पूरा दिन फोकस, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बन जाएगा, जिससे आपका पूरा हफ्ता फोकस, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल हो जाएगा, और हफ्ते को मिला के महीना, और महीनों को मिला के साल, और साल को मिला के पूरी ज़िंदगी को आप फोकस, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बना सकते हो। अब इसके बाद एक बार भी और अगर मुझे फोकस, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बोलना पड़ा ना, तो मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धरेवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ बातें करते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, बिहेवियरल साइकोलॉजी और हीलिंग साइंस के बारे में, जिन्हें सीखकर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। और इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और कमेंट में आकर मुझे बताना चाहिए कि किस तरह की वीडियोस आप और देखना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं हेल एलरॉट की इस किताब जिसका नाम है मिरेकल मॉर्निंग हैबिट, जिससे हमने एक शानदार तरीका निकाला है जिसका नाम है लाइफ सेवर हैबिट, SAVERS। ये 6 अल्फाबेट्स हैं जिसके बिहाफ में पूरा फॉर्मूला टिका हुआ है, जिसे सीखेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि व्हाट्स योर व्हाई? लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो तो व्हाट्स योर व्हाई? अपने आप से एक सवाल पूछे कि आपका क्यों क्या है, कि कोई भी काम आप क्यों करना चाहते हो। जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग व्हाई नहीं होगा, एक स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। मिरेकल मॉर्निंग हैबिट आप कब अपनाएंगे? जब आप मिरेकल मॉर्निंग के टाइम पे उठेंगे, मतलब 8 बजे से पहले जब आप उठेंगे, तभी तो आप मिरेकल मॉर्निंग हैबिट को अपना के अपनी लाइफ को शानदार बना पाएंगे ना यार। तो रात को सोने से पहले आपको कई दिनों तक, मतलब ये कल नहीं होने वाला है, ये कई दिनों की प्रैक्टिस है, हर रात को अपने आप को ये बताना होगा कि आप कल क्यों उठना चाहते हो, और वो वाई काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए और काफ़ी गरज से भरा होना चाहिए। गरज मतलब आपका पर्सनल फ़ायदा भरा होना चाहिए। शुरुआत में कोई बड़े महान कार्यों के लिए आप काम नहीं करोगे, आपका दिमाग ऐसे काम नहीं करता। पर्सनल रीज़न कि आप हैंडसम होना चाहते हो, आप रिच होना चाहते हो, उस फलानी बंदी को पटाना चाहते हो, एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, या अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो, जो भी एक पर्सनल रीज़न लेके शुरू करो ताकि आप वो काम कर सको। यू स्नूज यू लूज, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, मतलब स्नूज का बटन दबाना, बिस्तर में घुस रहना, आखिरी मिनट तक नहीं उठना, इसका मतलब है कि आप ज़िंदगी के लिए देरी कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में आने के लिए लेट कर रहे हो, आप अपनी सुबह को लेट कर रहे हो, मतलब आप अपनी पूरी 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 दिन को आप घंटों लेट कर रहे हो। जबकि बिस्तर से कूद पड़ने और ज़िंदगी को गले लगाने से ही आप इस देरी से बच सकते हो। आपको फुली एक्साइटेड होना होगा अपने मॉर्निंग के रिचुअल्स को लेके, अपने मॉर्निंग की ज़िंदगी को लेकर के, आप जो पाने वाले हो, जो आप अचीव करने वाले हो, सब चीज़ों को लेके एक्साइटमेंट से भरा होना होगा, तभी ज़िंदगी और आपका पूरा दिन एक्साइटमेंट से भरा होगा। नहीं तो यूं ही पड़े रहोगे, लूज चल रहे हैं, दुनिया चल रही है इसलिए चल रहे हैं, दुनिया का नारा बने रहो वाले अंदाज में। सबसे बड़ा झूठ कि आपको 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। कई रिसर्च से पता चल चुका है यार कि 8 घंटे का नींद लेना ज़रूरी नहीं है। ये एक एवरेजली एक समय पे जब यूं ही रिसर्च हुए थे तो एक एवरेज बोल दिया था कि भाई अगर आप अच्छी क्वालिटी के स्लीप नहीं लेते हो, आप ऊपर नीचे जैसा भी काम करते हो, तो 8 घंटे सो लेना चाहिए। तो उस बात को एकदम पकड़ के दुनिया चल रही है कि 8 घंटे मतलब 8 घंटे, आप रात को 2 बजे सोते हो, सुबह 11 बजे उठते हो, क्योंकि 8 घंटे सोना ही है। गलत है। कई सारे रिसर्च में ये प्रूफ हो चुका है कि 4 से 5 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है। बस आपको ये, आपके दिमाग को ये पता होना चाहिए। इसका की फैक्टर ये है कि सोने से पहले आप अपने आप को ये बताइए कि मैं जितना भी सोऊंगा पूरी क्वालिटी स्लीप लूंगा और अपनी नींद पूरी करके ही उठूंगा। तब आपका दिमाग ये चीज़ समझ जाएगा कि नींद पूरी होने के बाद उठना है, फिर वो 4-5 घंटे में भी आपकी नींद पूरी होनी शुरू हो जाएगी। सदगुरु एक अभी के समय पर सबसे बड़े जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, सदगुरु जो सबको सबसे सही बात बताते हैं, उनका भी ये कहना है कि 4-5 घंटे की नींद काफ़ी होती है, इवन 1-2 घंटे की नींद भी काफ़ी होती है, कि अगर आपका शरीर पूरी तरह से थका नहीं है, आज आपने उस तरह से अपने शरीर से काम नहीं लिया, मन से काम नहीं लिया, तो 2-3 घंटे सोकर भी आप अपनी नींद पूरी कर सकते हो। तो बस आपके ब्रेन को ये पता होना चाहिए, आपका ब्रेन ने ये बना रखा है कि 8 घंटे सोना है, इसलिए आप 8 घंटे सोते हो। आप अपने ब्रेन को ये कमांड दो कि नींद पूरी होने पर उठ जाना, तो नींद पूरी होने पर उठ जाएगा। सदगुरु खुद भी कई सालों से 3 घंटे से ज़्यादा की नींद नहीं ले रहे हैं, और कितने सारे योगियों को मैं जानता हूँ, बौद्ध भिक्षुओं को जानता हूँ, जो सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। मिरेकल मॉर्निंग हैबिट सुबह एनर्जी के साथ उठने के बारे में, आजकल नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी। ये बिस्तर से एक
पर्पस के साथ, एक उद्देश्य के साथ बाहर निकलने के बारे में। और वो इसलिए नहीं कि ये आपको करना है, ये आपको करना पड़ेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि ये आप करना चाहते हैं। तो फाइनली हम आते हैं सेवर्स। ये वो ताकत है जो आपके इनर ताकत को ढूंढने में, आपके पर्पस को ढूंढने में, आपको सक्सेसफुल बनाने में आपकी मदद करेगी, आपके रियल पोटेंशियल को बाहर निकालने में। तो लाइफ सेवर का मतलब ये है, एस फॉर साइलेंस, ए फॉर अफर्मेशन, वी फॉर विजुअलाइजेशन, ई फॉर एक्सरसाइज, आर फॉर रीडिंग एंड एस फॉर स्क्रिप्टिंग या स्क्राइबिंग। तो चलो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सुबह एस फॉर साइलेंस मतलब कि उठने के बाद एक मिनट अपने आप को साइलेंस में रखना है। साइलेंस कैसे? आप डीप ब्रीथ कर सकते हो, सांसों पे ध्यान लगा सकते हो, एकदम साइलेंस, अपने आप को चुप रखने की कोशिश करना है, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ एक मिनट। क्योंकि मैंने सिर्फ 6 मिनट का है, हालांकि ये 1 घंटे का प्रोसेस होता है जो आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे, लेकिन इनिशियली आप सिर्फ 6 मिनट से शुरू करेंगे और 6 मिनट में 1 मिनट आपको साइलेंस रखना है। दूसरा, ए फॉर अफर्मेशन, अफर्मेशन अपने आप से पॉजिटिव टॉक करना है, सेल्फ टॉक करना है, अपने आप को अच्छी बातें बताना है, अपने आज के दिन में क्या करने वाले हो, आज अपनी लाइफ में क्या करने वाले हो, इस हफ्ते क्या करने वाले हो, आप अपने आप से क्या चाहते हो, इस दुनिया से क्या चाहते हो, इस यूनिवर्स से क्या चाहते हो, ये बात अपने आप से खुद से बोलना है, बड़बड़ाना है, अपने आप को बोलना है कि मैं हैंडसम दिख बनना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं 3 लाख रुपये पर मंथ कमाना चाहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम में अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता हूँ, मैं जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसके बारे में अपने आप को कहना है। तो ये होता है अफर्मेशन। अफर्मेशन पे एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसमें आपको अफर्मेशन को डीपली समझाऊंगा। तीसरा है वी फॉर विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन जो चीज़ आपने बोला है उसको विजुअलाइज करना है। एक विजुअलाइजेशन, एक फोटो 1000 वर्ड्स के बराबर होता है, मतलब कि जो चीज़ आप बोल रहे हो ना अपने आप को उसके बाद उसको विजुअलाइज करना है कि आप हैंडसम हो रहे हो तो कैसे हैंडसम हो रहे हो, ऋतिक रोशन के माफिक हो रहे हो, टॉम क्रूज के माफिक हो रहे हो, टाइगर श्रॉफ के माफिक हो रहे हो, कैसे हैंडसम हो रहे हो, आप रिच हो रहे हो, कैसे रिच हो रहे हो, कि आप कौन सी कार से उतर रहे हो, किस तरह का मोबाइल चला रहे हो, कैसे लाइफस्टाइल जी रहे हो, कैसे आप लोगों को डोनेट कर रहे हो, कैसे आप लोगों का भला कर रहे हो, ऐसे विजुअलाइजेशन करना है। इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम पे। ई फॉर एक्सरसाइज, इसके बाद आप अपने लिए 1 मिनट एक्सरसाइज करोगे, जंपिंग कर लो, रोपिंग कर लो, स्किपिंग कर लो, सूर्य नमस्कार कर लो, रनिंग कर लो, थोड़ा सा वार्म अप कर लो, जो भी करना, 1 मिनट ऐसा करो कि 1 मिनट में सांस फूल जाए और ये आपको ऊर्जा से भर देगा। अभी क्या है, आपने अपने ऊपर वाले हिस्से को ऊर्जा से भरा, उसके बाद आप अपने पूरे शरीर को ऊर्जा से भर देते हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद आता है अगला, रीडिंग। जब आप हाफ होगे, जब आप थके होगे एक्सरसाइज करने के बाद, तो उस टाइम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए चुपचाप बैठो और कोई अच्छी सी किताब निकालो और पढ़ो। कोई आर्टिकल पढ़ सकते हो, कोई ब्लॉग पढ़ सकते हो, कुछ भी, कुछ अच्छी बात पढ़ो, क्योंकि जिस टाइम आप थके होगे ना उस टाइम आपके अंदर ऑक्सीजन बहुत स्पीड से घुस रहा होगा और उस टाइम पे जो भी आप इनपुट डालोगे रीडिंग के थ्रू वो सीधे दिमाग में आएगा। इसलिए अच्छे अच्छे कोर्स पढ़ना, अच्छी अच्छी बातें। देन आखिर में आता है स्क्रिप्टिंग, छठवा। कुछ अच्छी बातें लिखना है आपको लाइफ के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपने बीते हुए कल के बारे में, आने वाले कल के बारे में, आप क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, क्या दिन की दिल में क्या रखा है, क्या सुनना चाहते हो लोगों के बारे में, क्या सुनना चाहते हो अपने बारे में, आप कैसे ज़िंदगी जीना चाहते हो, कि जो आपने अफर्मेशन किया, जो आपने विजुअलाइजेशन किया, उसको ही आप स्क्रिप्टिंग फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये है लाइफ सेवर फॉर्मूला। ये 6 चीज़ों को आप मॉर्निंग में 1-1 मिनट अप्लाई करो और आप 6 मिनट में ही अपने दिन को शानदार बना लोगे। 1 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में भी नहीं होगा, 6 दिन में भी नहीं होगा, 10-12 दिन में ही आप देखोगे कि आपका दिन कितना शानदार होने लगा है, आप कितनी शानदार लाइफ जीने लगे हो और धीरे धीरे आप पॉजिटिविटी से भरने लगे हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी है, आपका फोकस लेवल बढ़ने लगा है और आप एक शानदार ज़िंदगी जी रहे हो और इस तरह से आप अपने आप को एक शानदार इंसान के रूप में देख पाओगे। लेकिन 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 ये 30 दिन का पूरा कोर्स है ब्रो, लेकिन 30 दिन में क्या क्या आपके साथ होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले से 10वें दिन तक को हम बोलेंगे अनबियरेबल, मतलब आप बियर नहीं कर पाओगे। शुरू के 10 दिन आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है यार, क्यों कर रहा हूँ यार, बिल्कुल नहीं करना है मुझे, ऐसा लगेगा। उसके बाद आएगा फेज 2, 11 से 20 दिन का, जो होगा अनकंफर्टेबल। आप बहुत ही अनकंफर्टेबल रहोगे, मतलब पहले तो बियर ही नहीं करना चाहोगे, फिर थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करोगे, फिर लेकिन उसके साथ अनकंफर्टेबल रहोगे, यार रोज़ सुबह उठ के ये काम करना है यार, मेरे को करने का मन नहीं कर रहा यार, ऐसा है यार, वैसा है यार, ये। और उसके बाद 20वें दिन के बाद जो आखिरी के 10 दिन होंगे वो होगा मिरेकल, और उसे हम नाम देते हैं अनस्टॉपेबल, मतलब कि अब
आपको ये चीज़ करने में मज़ा आने लगेगा, आप सो के उठने के बाद खुद ही करना चाहोगे उस चीज़ को, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा और इस तरह से आपकी मिरेकल मॉर्निंग हैबिट आपकी लाइफ में शुमार हो जाएगी। एक बोनस टिप देना चाहता हूँ दोस्त, सुबह उठने के बाद का जो पहला 20 मिनट होता है ना, वो आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। उस टाइम पे जो चीज़ें आप अपने अंदर चलाते हो, जो चीज़ें आप सोचते हो, जो चीज़ें आप करते हो, वही चीज़ें आपके पूरे दिन को मैनिपुलेट करती है। तो मच बेटर होगा कि सुबह उठने के 20 मिनट के अंदर ही ये मिरेकल मॉर्निंग हैबिट को कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप अपने वर्कहोलिक नेचर को समझे होंगे। अपने वर्कहोलिक नेचर से बिलोंग करने वाले किसी दोस्त से ये शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आने वाली वीडियोस पे और अच्छी बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्ते जी।